हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन आपको पूरा देखिएगा इस व्लॉग में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरे साथ अम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे, और आज अम्मी को जाना है अपने रूम के लिए अलमीरा लेने के लिए। तो अभी कार आने वाली है तो अम्मी जाने वाली है, फिर वहाँ का व्लॉग अम्मी दिखाएंगे क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ आज। तो चलो अम्मी जाओ और शॉपिंग करो अलमीरा की, और जब अलमीरा आ जाएगी तब भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी अलमीरा। अभी तो नहीं पता हमें भी, अभी तो अम्मी जाकर देखेंगी। तो चलो चलते हैं बाहर और फिर आपको दिखाते हैं कि कौन से मार्केट हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं अम्मी। तो यहाँ पर आटा गूंथ लिए हैं पूरी के लिए, पूरी बनाते हैं, सबको खाना देते हैं। मक्का सा सो रहा है, सोया हुआ नहीं है ये, इसके आँख में जो तकलीफ है इसके वजह से ये बंद करे हुआ है। आप लोग दुआ करना कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, एकदम हम लोग को दिल नहीं लग रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, दुआ लिखो, ये जल्दी ठीक हो जाए मक्का सा। और ये हमारा रूम, नया वॉलपेपर चेंज किए हैं, ये बेड है। कॉमेंट करके बताना आप लोग कैसा लगा। ये अंदर में भी जो है ये बोर्ड यूज कर रहा है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग अलमीरा लेकर, और आने के बाद हमें भूख लग गई तो मैं ये बनाई हूँ खीरे में। प्याज टमाटर और खीरा का जो बीज होता है वो सब काट के, उसमें आपने देखा होगा रील्स में, तो हम देख के ही बनाए। आप लोग भी बनाकर देखना खाकर कैसा लगता है। और यहाँ पे बन रही है चाय, आने के बाद दूध गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे आ गया पर्दा, ये दो कलर का है। ये मेरे रूम के लिए कल लगाऊंगी। कमेंट करके बताना ये वाला लगाएं या ये वाला। यू बिच, तेरी ये बस ये रील बनाना है। इसको मेन टिकटॉकर बनना था, रीलर बनना था, यूट्यूबर क्यों है अपना चैनल मेरे नाम। मेरे दिमाग में क्या है, मकासा है। समरीन का चैनल हो गया हैक। तो गाइस, समरीन का चैनल अब बिक चुका है। अब समरीन अपने चैनल पर वीडियोस नहीं डालेगी, जिसने खरीदा है वो ही वो उस पे जो भी कंटेंट और अपलोड करेगी। मैं कोई वीडियोस नहीं बनाया करूंगी गाइस, ये बड़ी अनाउंसमेंट है, सोचा कि इसी चैनल पर कर दूं ताकि आप लोगों को सब कुछ देखने को। और आप लोग सोच रहे हो कि चैनल किसने खरीदा, तो वो चैनल मैंने खरीदा है सिर्फ 2 रुपए में, क्योंकि उस चैनल की इतनी ही औकात थी 2 रुपए की, वो तो 1 रुपए में बेच रही थी, पर मैंने 1 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, ले तो खुश रहे। और उसी 2 रुपए की मैं टॉफी खरीद के लाई हूं, क्योंकि वो इतना टाइम लगाती है, टाइम इतनी बड़ी वीडियो शूट करनी है और ये अभी तक टाइम पास कर रही है। मैं तो भैया मैं नहीं करूंगी, मैंने लास्ट उसको टाइम दे रखा। और आज आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम लग रहा है शूटिंग करने पर, आपको दिखा दूंगी कि किस तरह होता है मेरी गंदी हालत। क्योंकि ये चीज बहुत दिन के बाद मैं दिखाऊंगी, आज ये लोग का हकीकत आज फिर से सामने आने वाला है आप लोग के। आज होगी सच्चाई महजबीन और समरीन की ब्रेकिंग न्यूज। और ये आप देख सकते हैं ये पर्दे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हम अपने ब्लॉग में नहीं दिखाए थे, ऐसे तो आप लोग अभी देख चुके होंगे। अभी तो रूम टूर बचा है, जिस किस किस को अम्मी का रूम टूर चाहिए जल्दी जल्दी से कमेंट में भर दोगी हमें, आंटी आपका रूम टूर चाहिए, एक एक चीज के बारे में, कहाँ से लिया कहाँ से नहीं लिया सब कुछ। देखो फिर वो लड़की देखो कहाँ पे है। हाँ यार वो रीलर है यार, वो छपरी रीलर। अच्छा मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली के लिए बना रही हूँ। और यूट्यूब फैमिली के लिए क्या बना रही हो? यूट्यूब फैमिली के लिए मेरा बातें। चलो फिर आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि ये शूटिंग किस टाइम स्टार्ट करती है। आज का व्लॉग समरीन के नाम से, उसकी सच्चाई दिखेगी आपको, कितना खाती है कितना पीती है कितना टाइम वेस्ट करती है। मैंने खाती तो नहीं है। यहाँ देख सकते हैं शूटिंग करते करते ये लोग की हालत, ये है मेरा लुक और ये देखो ये खुल गया। और गाइस आप लोग तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या बनी हुई हूँ मैं आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या बनी हुई। वैसे ये व्लॉग जल्दी आ जाएगा क्या? और यहाँ ये मैडम
मैडम मैडम डायरेक्टर साहब जो हैं ये लेटी हुई है। अच्छा गाइस ये मैंने एक चीज मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने क्या पहना है, मकासा का पट्टा, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने ये पहन लिया और इसको बड़ा करके। और ये देखो हेयर बैंड भी, ये रबर बैंड अम्मी से मांगा है, कपड़े मेरे हैं, ये रिबन लगाया अपने हाथ पे क्योंकि मैं कुछ बन रही थी और मुझे तो लग रहा था कि पट्टी लगाई हुई कुछ हो गया तुमको। चलो प्रैंक हो गया। तो ये करना पड़ता है गाइस, ये सारी चीजें जो है हमें खुद से बनानी पड़ती है। और रात के बज रहे हैं अभी कितना बज रहा है, 11:30 भूख बहुत लग रही है, 11:30 बजने वाला है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो तुम्हारी थोड़ी सी बिरयानी रखी हुई है, खा लो। ओके ये बोली कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तो अगर अंडा ब्रेड खाएगी तो खा लेगी। इसका पता नहीं ये कभी कुछ खाती है, इसका तो खाना बनाते ही नहीं है। हाँ ये खाती नहीं, बहुत तेज पता है। जब नहीं बनाऊंगी तो बोलेगी भूख लगी है, भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। सैंडविच खाने का मन है, सैंडविच, सैंड सैंड सैंडविच खाओ, सैंड बन जाओ। चलो फिर तो गाइस अभी हमारा यहाँ पे डिनर तैयार हो रहा है और डिनर में खाएंगे हम लोग मैंगो शेक और सैंडविच, जो कि मैंने जला दी है। इस सैंडविच को हमेशा जलाने वाले काम करती हूँ मैं। तो ये सैंडविच है और मैंगो शेक के साथ सैंडविच, कितना मज़ा आएगा खाने में। चलो अभी बन रहा है, धीरे धीरे जब बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। और आप लोग सैंडविच और मैंगो शेक का कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बन गया मैंगो शेक और इसमें नहीं डाले हैं, ये इसके पापा का है, वो आइसक्रीम नहीं खाते हैं। ये समरीन का है छोटा वाला, वो तो सिर्फ आइसक्रीम खाएगी और ये पिएगी नहीं। चलिए लेके चलते हैं। तो गाइस यहाँ आ चुका है हमारा मैंगो शेक। ओ माय गॉड कितना 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 प्यारा दिखता। चुप, बिल्कुल चुप। और इसका पोज देखो, पेज कह रही हूँ। अंदर ही कपड़े, वो जो नहीं है गंगूबाई में, वो जो कैद करके रखती है सलमा बहन, क्या बोलते उसको, वो है रजिया भी। चम्मच भी दे देना। ये देखो ये करती है परेशान अम्मी को ऐसे, नहीं करती जैसे डिमांडिंग, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद बनाया, ठीक है, दिख रहा था, वो तो दिख ही रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और ये देख लो 12:30 होने वाले हैं और ये लड़की अभी आता पता नहीं है। मुझे तो भाई चैलेंज वैलेंज तो पता है आराम से हो जाता है, मतलब मजे मजे में, पर ये वाला जो शूट होता है बड़ी मुश्किल से, पूरा जो कैरेक्टर है बिल्कुल वैसा बनना पड़ेगा, डायलॉग तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर शूट करना पड़ेगा 100 बार 100 रोल, जितने उतनी बार तैयार हो, बहुत टाइम लगता है, एक एक सीन में, एक एक उसमें बहुत टाइम लगता है। और ये आ चुका है अम्मी का खाना, थोड़ा सा चिकन, और ये है अम्मी के लिए, बस ये है अम्मी की डाइट। तो आज हमें शूट का सेकंड डे और मेरा नया लुक आप लोग देख ही सकते हो, जो कि मैंने अभी बना रखा है, पागल लग रही हूँ मैं बिल्कुल, लेकिन आपको अभी समझ नहीं पाओगी मैं बनी क्या हूँ, वो आपको मेरी वीडियो में ही समझ में आएगा कि क्या है। और आपने ये ब्लॉग तो पूरा देख लिया होगा, जो भी कुछ आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना, और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करो। और यही खत्म होता है ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।